सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले रेल विकास निगम लिमिटेड इस स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे को 3 रुपए 10 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर का अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 264 रुपए 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में टॉप बना 326 रुपीज का, 326 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक का एक टॉप लगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक का नीचे का सपोर्ट लेवल था 278 रुपीज का, 278 रुपीज पर स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल था, पर स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक डाउन दिया और स्टॉक ने एक नया लो बनाया 227 रुपीज का। 227 रुपीज के स्टॉक ने रिटेस्ट किया इस प्राइस को और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में जो ऊपर एक रुकावट रेंज है 278 रुपीज, जो कि स्टॉक का एक सपोर्ट लेवल था, अब स्टॉक में एक रुकावट रेंज है। जब तक स्टॉक 278 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता, जब तक स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक में एक पोजिशन बनाना चाहते हैं तो 257 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 340 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक एक बार 278 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट दे देता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।